हेलो ट्रेडर्स, दिस इज दीपेन गोगोई फ्रॉम एलाइसब्लू। आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन मार्क और मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर भी बात करेंगे हम। तो ये देख सकते क्रूड ऑयल डेली चार्ट, और इसमें क्रूड ऑयल का पिवट पॉइंट है 4361, रेजिस्टेंट फर्स्ट रेजिस्टेंट 4423, सेकंड रेजिस्टेंट 4485, थर्ड रेजिस्टेंट 4547, फर्स्ट सपोर्ट 4299, सेकंड सपोर्ट 4268, एंड थर्ड सपोर्ट 4175। तो ये आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल चार्ट। तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल टोटली डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट डेली चार्ट में। तो जो 200 मूविंग एवरेज था वो भी ब्रेकआउट हुआ, और साथ में आप देख सकते हैं वो ऑलरेडी मार्केट लोअर लो बना के आ रहा है। तो यहाँ से अगर वीकली हम देखेंगे, लेकिन वीकली थोड़ा इसका अप ट्रेंड अभी भी वीकली अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड का हमें एक रिट्रेसमेंट मिला, तो रिट्रेसमेंट का हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला अराउंड 3994 में। तो डेली देखेंगे तो हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला, राइट ये सपोर्टिंग रेंज है यहाँ पे अराउंड 3994 में। तो अब 4 आवर में देखेंगे लोअर लो बना के एक रेंज में मार्केट आ रहा है, जैसे ये एक रेंज है, राइट तो ये रेंज में मार्केट अभी आ रहा है। तो थोड़ा यहाँ पे एक आज थोड़ा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन ये मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड जोन में है कंटिन्यूसली लास्ट फ्यू डेज। सो यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन देना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब 200 ब्रेकआउट होता है मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट करके एक रिट्रेसमेंट होता है, जैसे यहाँ पे मुझे लगता है अराउंड यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट करना चाहिए, राइट तो 4586 यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए यहाँ पे। अगर हम 4 आवर में देखेंगे तो यहाँ से हमें एक रेंज मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात देख सकता है आप, ये जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है 20 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस लाइन बना के आ रहा है, राइट तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का आसपास तो आना चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट ओवर सोल्ड जोन में है। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, क्योंकि सीसीआर स्टॉकस्टिक भी थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन कर रहा है कि ये थोड़ा बहुत करेक्शन देने वाला है अराउंड 4586 तक। तो अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में है मार्केट कंटिन्यूसली, और एक यहाँ पे एक हायर हाई बना के एक रिट्रेसमेंट देने का कोशिश कर रहा है, राइट तो ये देख सकते हैं आप लोअर लो बना के आ रहा है, लोअर लो उसका बाद जो इसका हायर हाई था उसको ब्रेकआउट करके एक हायर लो बनाया यहाँ पे, तो फिर से मार्केट हायर हाई बनाया। तो मुझे लगता है थोड़ा रिट्रेसमेंट दे के फिर से हायर हाई बना सकता है। अगर हम 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट में इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया हुआ है और थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाय जाएंगे तो इसका 4586 का आसपास ही हम बाय जाएंगे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।